हे फ्रेंड्स, कैसे आप सही? आपसे स्वागत है मैं आज के इस नए वीडियो यानी कि एडवेंचर में। मेरा नाम है कुंजीत और आप देख रहे हैं कुंजीत ब्लॉग। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और हमारे चैनल के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं स्वराज भाई, यहाँ हैं हर्ष भाई और सौरभ भैया आ गए हैं। सौरभ भैया ना इधर, और यहाँ पर सौरभ भैया है। ओके, इनका चैनल का नाम यहाँ नीचे दे दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और रास्ता भी हम लोग इस रास्ते जाएंगे और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हम लोग कौन से स्टेशन में है। देख सकते हो अभी हम लोग विक्रम शिला में। तो अभी हम लोग यहाँ किस लिए आए, जैसा आपको पता है विक्रम शिला में एक बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है जो कि 8th century में बनी थी, मतलब समझ सकते हो बहुत प्राचीन काल की यूनिवर्सिटी है। हम लोग प्लानिंग बना हुआ था तो आज हम लोग वहीं जा रहे हैं। ओके, चलिए। तो दोस्तों, ट्रेन में चढ़ते वक्त यार हमने कुछ शॉर्ट्स ले थे ट्रेन के, तो वो पहले आप लोग देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको मिलता हूँ टेम्पू के पास, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ टेम्पो पकड़ने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, होप कि आप लोगों ने यार ट्रेन वाली देख लिया वीडियो। सो मैंने उससे रिलेटेड कुछ रील्स अपने इंस्टाग्राम पेज में भी दे दी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी हम लोग निकल चुके अपने सफ़र पे और अभी हम लोग ऑटो के अंदर हैं। सो अंकल जी ने कहा कि 15 रुपये भाड़ा है ना अंकल जी, तो 15 रुपये भाड़ा है। और चलिए, और मैंने यार साहिबगंज टू गाँव की टिकट ली थी, जिससे कि मैं विक्रम शिला उतर गया था। तो दोस्तों, अभी हम अपने मंजिल पर पहुंच गए हैं जो कि हमारे पीछे, और यहाँ हम सब लोग हैं, सौरभ भैया, हर्ष है और स्वराज है यहाँ पे। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे अपने मंजिल पर पहुँच गए जो कि विक्रम शिला यूनिवर्सिटी। तो चलिए अब आपको आगे लेके चलते हैं। चलिए, टिकट काउंटर एकदम सामने हो, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 25 रुपये ये इंडियन के लिए, और जो फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए यहाँ पे 300 रुपीस लगती है टिकट की। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, शुक्रवार को संग्रहालय यानी कि म्यूज़ियम बंद रहता है। मतलब शुक्रवार के दिन यार म्यूज़ियम बंद रहता है, तो जो भी भाई बहन प्लानिंग कर रहे हैं शुक्रवार को आने के लिए, तो प्लीज़ यहाँ मत आना, संडे को आना, क्योंकि आज संडे, तो आज हम लोग संडे को ही आए क्योंकि आज खुला हुआ है म्यूज़ियम। ओके, तो चलिए टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं। अधिक यहाँ किस डेट को आता है मतलब देखने के लिए? देखने के लिए तो थोड़ा रोड वगैरह भी थोड़ा खराब है, तो लोग बाहर से आ पा रहे हैं। अच्छा, संडे को तो ज़्यादा ही लोग आते हैं। और कुछ खास महीना जैसे जनवरी हो, नया साल का ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जब मूड होगा तब। अच्छा सर, कैमरा का कैमरा भी है क्या? तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि टिकट का दाम 25 रुपये, तो हम लोग यहाँ पे 4 आदमी थे, तो यहाँ पे हमारा लगा ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ जैसा आपको पता है। और यहाँ पे हमारा टिकट है, ये देख सकते हो, ये हमारा म्यूज़ियम का टिकट है। ओके, तो चलिए आप चलते हैं अंदर। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा अंदर का व्यू, अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं म्यूज़ियम के। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गार्ड अंकल है, अंकल ये टिकट। हम लोग बिल्कुल एकदम म्यूज़ियम के सामने, आपको बताया तो म्यूज़ियम कैसे है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग मेन रोड देख सकते हो, एकदम उसके थोड़ा आगे आप आइए तो यहाँ पे म्यूज़ियम है। यहाँ पे एक बैनर भी लगा हुआ, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, उसमें म्यूज़ियम की पूरी टाइमिंग लिखी हुई है, ठीक ना, वो आप लोग देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेन द्वार है म्यूज़ियम का, और यहाँ पे लिखा म्यूज़ियम रिमेंस ओपन फ्रॉम 9 AM to 5 PM, म्यूज़ियम रिमेंस क्लोज ऑन फ्राइडे। होप कि आप लोग समझ गए होंगे ये दोनों पॉइंट्स को। और यहाँ पे हमारा मेन म्यूज़ियम है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा म्यूज़ियम है मेन, जिसके अंदर सारे के सारे यहाँ की एंशियंट मूर्ति और जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह होती है स्टैचू, वो सारे इसके अंदर रखी हुई है म्यूज़ियम के अंदर। ओके, और इसके आगे म्यूज़ियम यहाँ है, और इसके आगे है आपका ये विक्रम शिला की जो रुइंस है वो वहाँ पे है। ओके, तो चलिए चलते हैं।
दोस्तों जैसे कि हम लोग आगे आ रहे थे धीरे धीरे, तो यहाँ हम लोग सामने उसका रूइंस दिखना स्टार्ट हो चुकी है। ये देख सकते हैं पूरा का इलाका है। मैं आपको थोड़ा ही बताता हूँ कितने एकड़ में ये फैला हुआ है और ये कब से इसकी शुरुआत हुई थी। मैं आपको उस वाले मॉन्यूमेंट के पास पहुँच के बताता हूँ। ओके चलिए, तो देखिए यहाँ पे छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं और यहाँ पे पोमेग्रेनेट यानी कि अनार की पौधे लगी हुई है और वहाँ पे एक अंकल गार्डनिंग भी कर रहे हैं। एक सेकेंड, आप लोग देख सकते होंगे वहाँ पे एक अंकल गार्डनिंग कर रहे हैं और वो वाली हमारे अभी हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं आगे, सौरभ और स्वराज और वहाँ पे हर्ष भाई है। चलिए चलते हैं आगे। सो दोस्तों मैं आपको यहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। अगर आप भागलपुर से आ रहे हैं तो आपको कहलगांव से आगे के स्टेशन पता है विक्रमशिला, जहाँ पे ये स्थित है और साहिबगंज से विक्रमशिला के नज़दीकी सिर्फ एक घंटे की यानी कि 33 से 35 किलोमीटर्स की रास्ता है। हम लोग बाई ट्रेन आए थे तो हम लोग को एक घंटा ही लगा था बस। ओके, और मैं आपको यहाँ के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। ये एक्चुअली विश्वविद्यालय था पहले और ये लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ पूरा इलाका है। पूरा का पूरा इलाका 100 एकड़ में है। दोस्तों अभी हम लोग आंगन में आ चुके हैं, मतलब हम लोग वहाँ ऊपर से सीढ़ी से ऊपर नीचे आए हैं और यहाँ पे हम एक देखिए टिबेटियन टेम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपको एक बार बैक कैमरा से दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ टिबेटियन टेम्पल, ये उसका रुइंस है। यहाँ देख सकते हैं टेम्पल का रुइंस है। चलिए इसके आगे ऊपर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे पिलर्स के भी रुइंस है यानी कि अवशेष है जैसे हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ ऊपर में टेम्पल है जहाँ पे कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा पहले रहती थी। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे पिलर्स भी रखे हुए हैं और देख सकते हैं पिलर्स कितने सटीक तरीके से कटे हुए हैं आज के युग के जैसे एकदम। बट ये सारे के सारे पिलर्स उस युग के यानी कि सारे के सारे 8वीं शताब्दी के। आप लोग पूरा देख सकते हो रुइंस। अभी वहाँ पे जाना मैं देर है अभी थोड़ा, तो वीडियो साथ बने रहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पूरा ये पूरे के पूरे यहाँ पे रुइंस पिलर्स की रखी हुई है। यहाँ पे देख यहाँ पे पिलर का निशान भी है यानी कि ये पिलर्स पे यहीं पे थे पर युद्ध के बाद इन सब पिलर्स का जहाँ भी लोकेशन था वो सारा इधर उधर हो गया। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको यहाँ के बारे में आप थोड़ा डिटेल्स दे देता हूँ। दोस्तों इसे पाल देश के एम्पायर यानी कि धर्मपाल जी ने बनवाया था, वो भी 8वीं शताब्दी में। और इसे युद्ध के दौरान मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने युद्ध में इसे पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया था, जो कि लगभग 12वीं शताब्दी यानी कि 1193 AD के टाइम में। और यहाँ पे बाहर से यानी कि देश विदेश से 7000 स्टूडेंट्स लगभग आते थे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे जैसे हम लोग आगे आ रहे थे तो यहाँ पे हमें यहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई है। यहाँ पे जहाँ पे मैं भी खड़ा वहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है और मेरे पे जहाँ पे स्वराज भाई लोग हैं वहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है। मैं दोनों का पिक यहाँ पे स्क्रीन में लगा दूंगा। ओके, आप लोग देख सकते हो और मैं अपने पेज में भी डाल दूंगा तो वहाँ से भी आप लोग आराम से इसे पढ़ सकते हो। ओके, तो देखिए बहुत सारे रुइंस हैं और यहाँ पे कुछ आश्चर्यचकित करने वाले भी रुइंस हैं जिससे कि आप लोग देख के समझो कि ओ भाई साहब उस टाइम पर इतनी ऐसी टेक्नोलॉजी वो भी कैसे। सो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी 3 पिलर्स के अवशेष यहाँ पे देख सकते हैं और ये देख सकते हो ये पूरा का पूरा मतलब गोल गोल है और ये पत्थर से बनाई गई है। जैसे आप लोग देख सकते हैं पूरा गोल है यार, एकदम सटीक से गोल किया हुआ है। देख सकते आप लोग यहाँ देख सकते हो पूरा गोल है एकदम और पूरा आप लोग देख सकते हो। यहाँ इसके आगे भी और भी है जहाँ पे पूरा गोल गोल है एकदम है। एक यहाँ पे है, मतलब आप लोग देख सकते हो उस ज़माने में 18th century मतलब कि 8th century में आप लोग समझ सकते हो इतनी टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ बना हुआ है शायद यहाँ पे पॉन्ड हुआ करता था, मतलब छोटा सा पॉन्ड मछली उछली के लिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसे पिलर्स के अवशेष है जो कि यहाँ पूरी की पूरी गोल है। आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको एक बार इसका अच्छा से व्यू दिखा देता हूँ।
सो दोस्तों यहाँ का हमने आपको दिखा दिया और आप लोग अब हम जा रहे दूसरी लोकेशन में। ओके तो चलिए आपको ले चलते हैं, यहाँ पे मैं सौरभ भाई और सौरभ भैया हैं। और हाँ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको और भी इसके रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक पे जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसका पूरा पूरा विकिपीडिया दे दिया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, आप वहाँ दोनों जाके चेक कर सकते हैं अपने अनुसार। ओके चलिए आपको दिखाते हैं और आगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है इस बाय बैनर पे, यहाँ पे लिखा है भोटिव स्टूपा, यानी कि यहाँ पे एक ये भोटिव स्टूपा पहले थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा एक बना हुआ है हॉल टाइप का। चलिए यहाँ पे आपको ले चलते हैं और पूरा अगर देख सकते हैं नज़ारा, कितना प्यारा नज़ारा है। और यहाँ पे कितने मोटे मोटे और बड़े बड़े पत्थर के पिलर्स है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पिलर है और भी बहुत सारे पिलर्स है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पिलर्स हैं। चलिए आप चलते हैं ऊपर, यहाँ पे एक स्पेशल रैंप बनाया गया है यात्रियों के लिए, सब देख सकते हैं। हम लोग भाई को वहाँ से जा सकते हैं पर नहीं, रैंप से जाना जा ठीक रहेगा, यहाँ पे बहुत सारे पिलर्स के अवशेष पर इन सब लोग देख सकते हैं। चलिए वहाँ ऊपर चलते हैं हम लोग। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये शायद रूम वगैरह होती थी पहले के उस टाइम की। और यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों जब हम आगे आए थे तो यहाँ पे हमने एक और चीज़ देखी, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बनी हुई जो कि रूम टाइप की है। सो हमें यहाँ ये यहाँ से ये एक अंजाद ये पड़ जाता है, ये पक्का यहाँ के एक हॉस्टल टाइप की होगी जो कि यहाँ पे बहुत सारी रूम्स के भी है, रूम्स जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो। अब दीवार की साइज आप देख सकते हैं, आज की जो दीवार की साइज है वो इतनी रहती है, मतलब कि 5 इंच से 15 इंच या 10 इंच आप लोग बोल सकते हो, पर ये आप लोग देख सकते हो उतनी भी नहीं है, ये लगभग 1 मीटर की दीवार होगी लगभग। दोस्तों आप चलते हैं इससे थोड़ा और आगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ जो कि मेन यहाँ का जो हॉल है, यानी कि जहाँ पहले एक टेंपल हुई करती थी, अब लोग वहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे पहले भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा पहले रहती थी। ओके तो चलिए अब हम लोग वहाँ चलते हैं, वहाँ हम लोग जा रहे हैं, बस थोड़ी देर में लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे भी स्टूपा से रिलेटेड यहाँ की थोड़ी जानकारी दी गई है, चलिए वहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने दोनों के पिक्स लगा दी, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो या फिर आप लोग चाहते हो कि वीडियो एंड होने के बाद आप भी जाके पढ़ सकते हो, मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज में डाल दिया इसे। और यहाँ पे भी एक बड़ी सी पिलर की यहाँ पे निशान आप लोग देख सकते हो बनी हुई है, ये शायद पिलर की होगी या फिर यहाँ पे भी शायद एक स्टैचू हो सकती है मे बी, जहाँ तक मुझे मैं गेस कर रहा हूँ, तो मुझे एक्चुअली पता नहीं यहाँ पे क्या थी, बट मैंने दो गेस किए, यहाँ पे पिलर नहीं तो एक स्टैचू हो सकती थी। और यहाँ पे देख सकते हो अभी हम लोग मेन स्टोपा के सामने हैं, यानी कि अपना जो मेन है वहाँ पे अभी हम लोग हैं, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे मेन स्टूपा है और ये उसकी सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। स्वराज वहाँ पे हर्ष है। और दोस्तों जो कि मैं आपको बताया था यहाँ यही है मेन स्टूपा जहाँ पे कि पहले भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा रखी हुई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पिलर्स की, यानी कि इसके ऊपर भी एक छत हुआ करती थी, आप लोग पूरा पूरा देख सकते हो ये टेंपल। तो चलिए अभी हम लोग टेंपल के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर हमें कुछ सुरंग टाइप की कुछ देखी है, चलिए देखते हैं उसे। और दोस्तों यहाँ पे तो यह सुरंग बनी हुई है देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग एक सुरंग यहाँ पर भी है। अब मुझे नहीं पता फ्रेंड्स एक सुरंग किस लिए है, पर यहाँ पर बनी हुई है सुरंग, मतलब यहाँ पर टोटल 4 सुरंग है, यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4। और अभी हम लोग यहाँ आगे आ चुके हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा पहले रखती हुई थी। और यहाँ पर देख सकते हो पूरा पूरा देख सकते हो पूरा, यही वो जगह है जहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखी गई थी और वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है देख लीजिए। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है आदेश अनुसार स्टूपा के अंदर जाना और ऊपर चढ़ना मना है,
पकड़ने जाने पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि आप इसके ऊपर, यानी कि इसके अंदर आप लोग नहीं जा सकते और इसके ऊपर भी आप लोग नहीं चढ़ सकते हो, जो कि रूल्स के, यहाँ के रूल्स के हिसाब खिलाफ है। अरे यार, तो अब यहाँ सब थोड़ा सिनेमैटिक्स वगैरह देखिए। तो दोस्तों अभी लोग वहाँ मंदिर के पास आ गए हैं और यहाँ पे भी हम लोग का ग्रुप फोटो ले लिया जा रहा है, यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए अभी ग्रुप फोटो लेते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोगों ने ऊपर का आपको दिखाया, यहाँ पे ऊपर में जो स्टूपा थी, और यहाँ ऊपर नीचे जब आते हो तो उससे भी और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे दिखती है, जो कि यहाँ पे वॉल में बहुत सारी आकृति बनी हुई है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे स्टैचू बने। वहाँ पे एक भगवान विष्णु की है, एलिफेंट है, मैं आपको उसकी फोटोज यहाँ पे डिस्प्ले करते रहूँगा। फिर यहाँ पे एक डांसिंग डॉल टाइप की है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्टैचू। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हाथी भी है जो कि हालांकि टूटा हुआ है। यहाँ पे शेर भी है, जहाँ तक तो मुझे गेस्ट होके लग रही थी ये पक्की वही जानवर होगी या वही आकृति होगी। सो मैं आपको वैसे ही आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको फोटो सारी आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज में मिल जाएगी। ओके, तो चलिए आप चलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी हम लोग रुइंस से आ चुके हैं बाहर, और अभी हम लोग आ चुके हैं हम स्टार्टिंग पॉइंट में। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ म्यूज़ियम के अंदर, तो चलिए चलते हैं अंदर। और यहाँ पर देख सकते हैं म्यूज़ियम खुल चुका है, जैसे कि अभी घड़ी में आप लोग टाइम देख सकते हो, 10 यानी कि 10:30 बजने वाली है और म्यूज़ियम खुल जाए, जैसा टाइम था 9 AM to 5 PM। चलिए हम लोग चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। सो दोस्तों हम लोग गेट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल गार्डन है, यहाँ पे बैठने के लिए भी है, और देख सकते हैं यहाँ पे गार्डन बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे बैठने लायक भी लोहे की सीट बनी हुई है, जैसे आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे, यहाँ बहुत सारी सीट्स लगी हुई है जैसे आप लोग देख सकते हो। और हमारे यहाँ पे म्यूज़ियम वो है मेन म्यूज़ियम, यानी कि वो है मेन संग्रहालय, तो अभी हम लोग उसके अंदर जाएंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं। वहाँ पे पीने का पानी है, जैसे वहाँ देख सकते हैं लिखा ड्रिंकिंग वाटर, मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। चलिए इसके अंदर चलते हैं। और दोस्तों वो था मेन गेट म्यूज़ियम का दरवाजा, और ये वाला डायरेक्ट वाला गेट है, जैसे आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे शीशा में रखे हुए यहाँ के बहुत सारे सामान, मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। वहाँ पहले सबसे पहले पानी पी लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी है। वहाँ पे टॉयलेट है उस साइड, और उधर भी एक टॉयलेट है, ये साइड कुछ रूम है रखने लायक, और वहाँ पे टॉयलेट है। तो चलिए पहले पानी पीते हैं हम लोग। दोस्तों हमने यहाँ पे जो पिया ये पीने का पानी है, लेकिन ये नॉर्मल पानी है, जिनको नॉर्मल पीना है वो नॉर्मल पी सकते हैं। और वहाँ पे जो छोटी वाली जो नल है, मतलब थोड़ी नीचे है, वो वाली नल है ठंडे पानी के लिए। ये चलते हैं, आप चलो।
तो अभी हम लोग यार म्यूज़ियम के बाहर आ चुके हैं। और हाँ, हम लोगों के जितना भी हम लोग से हो सकता था वीडियो लेने का, तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा वीडियो लिया है। तो आप लोग वो वीडियो देखिए और हमें बताइए कि कैसा लगा। ओके ठीक है, हम लोग बस यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अपने लिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।